नाम ही से पता चला इसमें बड़ा घोटाला है। शबे बरात शब फारसी है, अगर इस्लाम में इसका कुछ सबूत होता भी ना तो ऐसे होता ना लैलतुल बरात, लैला माने अरबी रात है और लैलतुल बरात ठीक था, लेकिन शबे बरात बाज लोग काम से पहचाने जाते हैं, नाम से उनकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन इतना बदनसीब इंसान होगा वो जो नाम ही से उसकी असलियत मालूम हो जाए, वैसे ही ये रात है शबे बरात, इसके नाम ही से मालूम हो रहा इसका असलियत से कोई ताल्लुक नहीं है, वरना फारसी का एक कलमा नहीं आना चाहिए था। ब्रदरान इस्लाम, बुजुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों, अजीज प्यारे बच्चों, माँ और बहनों, आइए मुख्तसर सी हम्द व सना व दरूद व सलाम के बाद मैं आप हजरात के सामने खुतबतुल जुमुआ के मौजू की तरफ आने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आज के मौजू को जो मुंतखब किया है, वक्त की मुनासिबत से आज का मौजू है शबे बरात की हकीकत। आज हम जानेंगे कि शबे बरात की हकीकत क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में क्यों पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला खुद इसका जवाब देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा खलक्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। यानी इंसानों और जिन्नों की पैदाइश का मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत है। हर इंसान हर जिन की ये जिम्मेदारी है, उसके ऊपर फ़र्ज है कि वो अल्लाह की इबादत करे। और अल्लाह तबारक व ताला ने इबादत के तरीके को आम नहीं किया बल्कि एक शख्स के साथ खास किया है, और वो शख्स है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदों, कायनात के लोगों सुनो, तुम सबको मेरी इबादत करना है, लेकिन इबादत का तरीका मेरे हबीब मेरे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको बताएंगे, ना सिर्फ बताएंगे बल्कि अमली तौर पर वो तुम्हारे सामने करके दिखाएंगे, लिहाजा तुम सबको मेरी इबादत उनके तरीके के मुताबिक करना चाहिए। जो कुछ उनसे इबादत की शक्ल में, दीन की शक्ल में, इस्लाम की शक्ल में, सवाब की शक्ल में, नेकी की शक्ल में मिल रहा है वो सब कुछ ले लो, लेकिन जो काम जो चीज़ जो मजहब या जो तरीक़ा जो अमल उनसे नहीं मिल रहा है उसके पीछे यूं ही ना पड़ो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा आताकुम अर्रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू, मेरे रसूल जो कुछ तुमको दे रहे हैं उसे ले लो, और जिससे मना कर रहे हैं उससे रुक जाओ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इबादत को अमली तौर पर करके दिखाया, और करने के बाद फरमाया मन अता अली दखल अल जन्ना व मन असानी फकद अबा। सुनो ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अल्लाह ने हम सबको इबादत के लिए पैदा किया है, और इबादत का तरीका उसने मेरा मुकर्रर किया है, सो मैं इबादत का तरीका तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ, तो तुम ऐसी ही इबादत करो। जो ऐसी इबादत करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो ऐसी इबादत नहीं करेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। अब सुनिए हदीस का तर्जुमा मन अता अनी दखल अल जन्ना व मन असानी फकद अबा, जिसने मेरी इताअत में इबादत की, नेक अमल किया, सवाब का काम किया, अल्लाह की फरमाबरदारी की, दखल अल जन्ना कामयाब हो गया। कहाँ गया? जन्नत में। और जिसने मेरी नाफरमानी की, मेरे तरीके के मुताबिक इबादत नहीं किया, या इबादत का वो अमल किया जो मेरी सुन्नत मेरी शरीयत में था ही नहीं, फकत अबा, तो इतना बदबख्त है कि अपनी जबान से बोलता मैं नहीं जाऊंगा जन्नत में। यानी फकत अबा का यही मतलब है, और मैंने उसका तर्जुमा मेरे स्टाइल में किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां ये फरमाया सुनो मेरे तरीके के मुताबिक इबादत करना पड़ेगा, वहीं अल्लाह के नबी ने हमें अंधेरे में नहीं छोड़ा। अगर हम पूछे ऐ नबी, अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया, इबादत आपके तरीके के मुताबिक होनी चाहिए, और आप ये भी फरमाते हैं कि लोगों मेरी इताअत करो, आपकी इताअत हमें कहाँ मिलेगी, सवाल पैदा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो मेरी उम्मत के लोगों, वो तरीका मैं दो चीजों के जरिए से छोड़कर जा रहा हूँ। तरक्तु फीकुम अमरैन,
لن تذلوا ما تمسكتم به ما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. मेरी उम्मत के लोगों, मेरी इताअत करना है ना, मेरे तरीके के मुताबिक तुम्हें इबादत करना है ना, मेरे तरीके के मुताबिक इबादत करने के लिए मैं तुम्हारे दरमियान अब तो जा रहा हूँ। हर इंसान को जाना है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मैं भी नफ्स हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी मरना है। लेकिन जाने से पहले अमानत के तौर पर कि कहीं तुम गुमराह ना हो जाओ, ये वो करके राह रास्ते से भटक ना जाओ, दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। जब तक तुम इन दोनों चीजों के मुताबिक ही अमल करोगे तब तक तुम सीधे रास्ते पर रहोगे, वरना याद रखो इन दोनों में से तुम जिसे भी छोड़ोगे सीधे रास्ते को छोड़ दोगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया है تركت فيكم امرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. اور وہ دو چیزیں ہیں اللہ کی کتاب قران مجید اور میری سنت یعنی میرے احادیث، میرا طریقہ، میری شریعت، میرا دین، میرا عبادت کے معاملے میں مقرر کیا ہوا لا اور قانون، یہ دو ہی چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر عبادت، چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو، مباح ہو، مستحسن ہو، کوئی بھی عبادت ہو، ہمیں کس کے مطابق کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ اب میں اس سارے موضوع اور اس خلاصے کا ایک مطلب بیان کروں گا۔ ہم اور آپ جو عبادت اللہ کی، اللہ کے پیارے حبیب کے طریقے پر کرتے ہیں، وہ عبادت ہمیں کامیاب کرتی ہے، اور اگر جو عبادت ہم آپ کے طریقے کے خلاف کرتے ہیں، کرنے والے چاہے کتنے بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ مگر افسوس کا مقام تو یہ ہے، اتنی واضح شریعت، اتنا واضح دین، قرآن اور حدیث ہونے کے باوجود ہم میں سے بعض نادان مسلمان ایسے ہیں جو راہ راست سے یوں ہی بھٹک جاتے ہیں۔ بولنے والوں سے نہ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے یہ بات، کرنے والوں سے نہ سوال کرتے ہیں کہ تمہیں یہ چیز کہاں سے ملی، وہ بھی کر رہے ہیں، ان کا دیکھا دیکھی یہ بھی کر رہے ہیں۔ ایک پوائنٹ کی بات میں آپ کے سامنے نقل کر دوں، آپ اپنے دوست و احباب سے بھی بتائیے، اور یہ جو آواز جہاں تک جا رہی ہے وہ لوگ بھی سنیں۔ آج جو میں بات بتانے جا رہا ہوں شب برات کی حقیقت کے بارے میں، اور اس کو سمجھنے کے لیے اب تک 10 منٹ میں میں نے جو خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کا مقصد انتشار نہیں ہے، اس کا مقصد نفرت پھیلانا نہیں ہے، اس کا مقصد پھوٹ ڈالنا نہیں ہے، اس کا مقصد دور کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد ناراض کرنا نہیں ہے ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو، اس کا مقصد دشمنی پیدا کرنا نہیں ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو دین اپنے پیغمبر پر نازل کیا ہے، پیغمبر نے پتھر کھا کر، گالیاں کھا کر، کاٹے چبو لے کر، لوگوں کی تان و تشنی کا سامنا کرتے ہوئے اس دین کی حفاظت کی ہے، آج وہ دین ہمارے سامنے ویسے ہی آ جائے اور اس راستے پر ہم ویسے ہی چلیں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب بیان ہوتا ہے، اختلاف کی بات شروع ہوتی ہے، فلاں ایسا چل رہا ہے، دیکھو آج لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، کیا کیا سازشیں چل رہی ہے، کبھی برقعہ اتر رہا ہے، کبھی ٹوپی نکل رہی ہے، کبھی طلاق ختم ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا سبب یہی ہے کہ آج ہم خود دین پر نہیں ہے، ہمیں خود دین کے احکام کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہم پرواہ کریں گے ہمارے اہل کی، تو کوئی نااہل ہمارے اہل کی طرف ہاتھ یا آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، یہی مقصد ہے۔ ورنہ کوئی انتشار یا اختلاف نہ سمجھے، بلکہ محبت سے میں آپ کے سامنے بات پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اتنی واضح آیتوں اور حدیثوں اور مکالمے کے ہونے کے باوجود آج ہم میں سے بعض ایسے نادان مسلمان ہیں جو دین پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور جو دین نہیں ہے اسے چھوڑتے بھی نہیں ہیں، جسے ہم بدعت کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک بدعت ہے شب برات۔ اب ہم اس کی حقیقت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ شب برات، شب برات کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے شب برات کا معنی دیکھیے۔ شب کا معنی کیا ہے؟ رات۔ برات کا معنی کیا ہے؟ چھٹکارا۔ شب برات یعنی چھٹکارے والی رات۔ چھٹکارے والی رات کا مطلب ہے اگر اس رات کوئی انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک سال تک تمام مشکلات سے، پریشانیوں سے، غموں سے، مصیبتوں سے، بے برکتی سے، بیماریوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے، شروں سے، برائی سے محفوظ رکھتا ہے، وہ چھٹکارا پا لیتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، الحمدللہ،
कोई भी इबादत इतना करने की ताकत रखती है, लेकिन क्या वो इबादत शरीयत से साबित है पहले वो देखना पड़ेगा ना। शबे बरात में अगर इतनी इबादत की जाए तो ये सब होता है, हम सब जानते हैं। नमाज पढ़ो इतने सारे फायदे, रोजा रखो इतने सारे फायदे, रात जागो इतने सारे फायदे, फायदे तो है हम जानते हैं, लेकिन वो इबादत फायदा देगी जो इबादत मैंने जो आयात पेश की है उसकी रोशनी में नबी की शरीयत के मुताबिक हो। सबसे पहली बात तो देखिए, शब ये अरबी लफ्ज नहीं है, शब ये फारसी लफ्ज है, और दूसरा बरअत ये अरबी लफ्ज है। अगर वाकई में दीन कहां से आया, अरब से आया या इंग्लिस्तान से आया, बोलिए जरा, अरब से आया ना। हमारे नबी अरबी थे या नहीं थे? जो भी कुरान नाज़िल हुआ, अहादीस हमारे सामने आई है, और जो अहकाम के नाम है वो सब अरबी में है या नहीं? ये फारसी और अरबी कहां से मिक्स हो गया? अल्लाह के नबी कब फारिस गए थे या कब जो है ना नबी के कोई सहाबी फारिस गए थे? ये ऐसे कैसे हो सकता है? नाम ही से पता चला इसमें बड़ा घोटाला है। शबे बरात, शब फारसी है। अगर इस्लाम में इसका कुछ सबूत होता भी ना तो ऐसे होता ना, लैलतुल बरात, लैला माने अरबी रात है, और लैलतुल बरात ठीक था, लेकिन शबे बरात, बाज लोग काम से पहचाने जाते हैं, नाम से उनकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन इतना बदनसीब इंसान होगा वो जो नाम ही से उसकी असलियत मालूम हो जाए, वैसे ही ये रात है शबे बरात, इसका नाम ही से मालूम हो रहा इसका असलियत से कोई ताल्लुक नहीं, वरना फारसी का एक कलमा नहीं आना चाहिए था। जहां तक इसके कुरान और हदीस से साबित होने की बात है, मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से कहीं इसका सबूत नहीं है। कुरान मजीद 30 पारे पढ़कर देखिए, 114 सूरतें, शबे बरात, 15वीं शाबान, शायद आज है या कल है, आज ही रात है या कल रात है, इसका सबूत पूरे कुरान मजीद में कहीं भी नहीं है। लेकिन तुरपा तमाशा यह है कि जब उम्मत मोहम्मदिया जुरात करने पर आ जाती है ना, तो किसी भी अमल को किसी भी आयत से साबित करने की कोशिश कर देती है, ये नहीं सोचती कि अर्श पर बैठी हुई जात हमारे इस करतूत से कितना नाराज हो रही होगी। कुछ परवाह नहीं है उनको, साबित करने पर तुले हुए हैं, और साबित करने पर अगर तुला इंसान तो शैतान ने भी साबित कर दिया ना, मैं आग से पैदा हुआ, वो मिट्टी से पैदा हुआ, साबित करने पर आ जाए तो बहुत साबित होता है, लेकिन ये साबित सही सबूत से होना चाहिए ना। लोग इसको साबित करके, पहले ही बता दे रहा हूं, मोहब्बत से, मेरे अल्फाज खुद को सख्त होते हैं लेकिन आखिर तक मोहब्बत रहेगी, क्योंकि आप हमारे भाई बहन हैं, सब हमारे भाई बहन हैं, इस्लामी भाई बहन हैं। कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह दुखान में फरमाया है, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बेशक हमने इसको मुबारक रात में नाजिल किया है, और हम इससे डराने वाले, यानी कुरान मजीद डराने वाली किताब है, जहन्नम से डराने वाली, गुनाहों से डराने वाली किताब है। तो देखिए अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में फरमाया है कि कुरान को बरकत वाली रात में नाजिल किया हमने, तो यह बरकत वाली 15वीं शाबान की रात है। हम जरा कुरान खोल के देखेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं तो मिले के बरकत वाली रात में हमने नाजिल किया है, इसके आगे पीछे कहीं शबे बरात का जिक्र है क्या? कोई तो बताए, नहीं, ऐसे ही सबूत ला लिए, कोई भी आयत को फिट कर दिए, सही है क्या गलत है? बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक सवाल पैदा होता है, हमने इस कुरान मजीद को बरकत वाली रात में नाजिल किया है, यह बरकत वाली रात अगर शबे बरात नहीं है तो क्या तुम साबित कर सकते हो बरकत वाली रात कौन सी है? इंशाल्लाह, कुरान के नुज़ूल की बात हो रही है ना, कौन सी रात में हुआ कुरान का नुज़ूल? बरकत वाली रात। अल्लाह ने एक और मकाम पर फरमाया है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलअल फज्र। अल्लाह ने फरमाया, सुनो, हमने इस रात को बाबरकत रात में जो नाजिल किया है वो बाबरकत रात लैलतुल कदर है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर, फिर भी सवाल पैदा होता है, वहां बरकत वाली रात या कदर वाली रात कौन सी? वो तो मालूम हो, वो तो फिक्स होना चाहिए ना।
शाबान की, रमजान की, शवान की, जिलकादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम महीना तो अभी फिक्स नहीं हुआ ना, तुम इनकार कर रहे हो 15वीं शाबान की रात का, बरकत वाली रात, और दलील दे रहे हो कि शबे कदर वो बरकत वाली रात से मुराद है, तो शबे कदर शबे बरात दोनों भी तो किसी महीने से साबित हो, अगर साबित हो तो हम मानेंगे, ऐसा अगर कोई कहने वाले तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं तो 15वीं शाबान को मानना पड़ेगा। हम कहेंगे हाँ है शबे कदर शबे बरात, दोनों में कुरान के नुज़ूल का जो जिक्र हो रहा है किस महीने में, अल्लाह ने तीसरी जगह इरशाद फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। हमने इस कुरान मजीद को रमजान अल मुबारक में नाज़िल किया है, यह इतनी पावरफुल किताब है जो सच्चाई और झूठ के दरमियान फर्क कर देती है, इसमें हर चीज की तमीज है, अच्छे बुरे की तमीज है, सही गलत की तमीज है, सही झूठ की तमीज है, हक बातिल की तमीज है। तो वो शबे बरात या बरकत वाली रात या शबे कदर या कदर वाली रात कौन से महीने की हुई, सिर्फ कुरान से साबित हुआ, वह 15वीं शाबान नहीं बल्कि रमजान मुबारक का महीना साबित हुआ। और रमजान मुबारक की कौन सी रात, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही आदि से साबित है आखिर के 10 दिन में। पता ये चला कुरान मजीद से अगर इसका सबूत तलाश किया जाए तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस रात का कुरान मजीद में जिक्र है वो 15वीं शाबान की रात नहीं है, इंसाफ के लिहाज से अगर देखा जाए तो रमजान मुबारक की रात है, लैलतुल कदर। बाज लोग अहादीस से भी इसको साबित करने की कोशिश करते हैं। एक हदीस है जिसे इमाम तिर्मिजी इब्ने माजा ने रिवायत किया है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वीं शाबान को रात को उठे, और रात को उठ के अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में थे, उनकी बारी थी, अचानक उठे, चादर ओढ़े और घर के बाहर निकले, आहिस्ता दरवाज़ा बंद करके। अम्मा आयशा कहती है मैं भी उठी, देखी कहाँ जा रही है, सौगनों का मसला है, इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा, दिल में कुछ बात आ गई थी, निकली, मैं क्या देखती हूँ कि नबी किसी मेरी सौगन के घर नहीं गए बल्कि कब्रिस्तान गए, वहाँ जाकर आपने दुआ की, 3 मरतबा हाथ ऊपर किया, उसके बाद फिर वापस आए और आकर कहने लगे ऐ आयशा 15वीं शाबान की रात वो बाबरकत रात है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में आसमान दुनिया पर नाजिल होता है, यानी पहले आसमान पर उतरता है, सबसे पहला सवाल यही करता है कोई माफी मांगने वाला। सही हदीस में यह है कि रोजाना फजर से कुछ देर पहले रात के तीसरे हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है, यह सही हदीस से साबित है, और पूछता है कोई माफी मांगने वाला, है कोई मुझसे पूछने वाला, सही है, लेकिन 15वीं शाबान की रात ये अल्लाह के नबी ने फरमाया, और यह फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर, उनकी तादाद के बराबर, यानी बनु कल्ब एक कबीला था अरब में जो बहुत बड़ा था और उसकी बकरियां बहुत ज्यादा थी, बाद कबीले बकरियां चराने में माहिर होते हैं वगैरह वगैरह, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया बनु कल्ब, कल्ब का जो कबीला है उसकी जितनी बकरियां हैं उन बकरियों के जितने बाल हैं उन बालों की तादाद के बराबर अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को इस रात में बख्श देता है, माफ कर देता है, तो यह मुआफी की रात है, बख्शीश की रात है, नजात की रात है। जबकि यह हदीस तिर्मिजी इब्ने माजा में मरवी है, तमाम मुहद्दिसीन ने कहा यह हदीस ज़ईफ़ है, बिल्कुल ज़ईफ़ है, और जब ज़ईफ़ की बात आती है अल्लाह माफ करे तो कहते हैं कि क्या ज़ईफ़ ज़ईफ़ बोल के बैठे हैं तुम, अगर बाप ज़ईफ़ हो गया तो बाप नहीं रहता क्या, चाहे वो ताकतवर हो तो भी बाप है, ज़ईफ़ हो तो भी बाप है। देखो ज़ईफ़ को कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, यहां ज़ईफ़ का मतलब अलग है वहां ज़ईफ़ का मतलब अलग है, यहां सही का मतलब अलग है वहां सही का मतलब, ये हदीस का मसला है, नहीं समझते, कुछ भी बोल देते, और आम लोग नहीं बोलते, ऐसे हमारे भाइयों में से जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो ऐसी बातें करते हैं, तो हदीस से भी साबित इसका सबूत कहीं नहीं है। जहां तक रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठ के जाने का मसला है, सही मुस्लिम में भी हदीस है, सही हदीस है, अब सही मुस्लिम में है तो सही हदीस है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है वो जरा लंबी हदीस है बहुत ज्यादा, लेकिन वक्त नहीं है, जो हदीस ज़ईफ हदीस थी वैसे इसमें भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता उठे, फिर गए, अम्मा आयशा भी पीछे गई, फिर जब आप सल्लम वापस हुए दुआ करके तो मैं भी वापस हुई, आप जरा तेज चलने लगे मैं भी तेज चलने लगी, आप दौड़ने लगे मैं भी दौड़ने लगे, यहाँ तक फौरन आकर बिस्तर में लेट गई तो आप आकर कहने लगे आयशा क्या हुआ,
तुम क्या समझती हो अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे साथ खयानत करेंगे, मतलब आधी रात को उठकर मैं किसी दूसरी मेरी बीवी के पास गया, ऐसा तुम सोच रही थी? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिब्रील मेरे पास आए, आकर कहने लगे ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ने हुक्म दिया बकी कब्रिस्तान जाइए और वहां जाकर आप कब्र वालों को दुआ कीजिए, दुआ कीजिए उनके बारे में। मैं गया, दुआ किया, फिर वापस आ गया। इतनी ही बात है। अच्छा, इस सही मुस्लिम की हदीस में एक पॉइंट नहीं है। और वो जो बनू कलिब की बकरियां हैं वगैरह, 15वीं शाबान को आता है अल्लाह, ये सारी चीजें उसमें नहीं है। बस मैं गया, दुआ किया उनके लिए मगफिरत की, फिर वापस आया। इसमें एक अहम पॉइंट नहीं है। किसी मुहद्दिस ने, किसी हदीस के जमा करने वाले ने, किसी फकीह ने, किसी तरजीह देने वाले ने, किसी मुहक्किक ने यह बात साबित नहीं की है कि यहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रात को गए वो महीना शाबान का था और 15वीं तारीख थी और रात थी, नहीं साबित है। अल्लाह अकबर, इंसाफ की बात है। पता क्या चला? ना कुरान में इसका सबूत है, ना हदीस में इसका सबूत है। तो हम देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वीं शाबान को जागते थे, नहीं जागे थे हमेशा? क्या अल्लाह के नबी के सहाबा जागे थे? नहीं जागे थे। क्या सहाबियात जागी थी? नहीं जागी थी। क्या मदीना में एहतमाम होता था? नहीं होता था। अरब में एहतमाम होता था? नहीं होता था। तकरीबन 440 साल तक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद 430 साल तक, क्योंकि हिजरत के 10 साल तो आप जिंदा थे, हिजरत के 10 साल के बाद आपका इंतकाल हुआ, यानी 440 हिजरी के बाद ये शबे बरात का रिवाज शुरू हुआ, और शुरू भी अजीब नमूने से हुआ, लेकिन आज वो पुख्ता दीन बन बैठा है। इतना पुख्ता दीन बन बैठा है ये शबे बरात का अमल कि साल भर इबादत करो या ना करो, साल भर नमाजें पढ़ो या ना पढ़ो, साल भर दुआ करो या ना करो, साल भर अल्लाह को याद करो या ना करो, इस रात में जो अल्लाह की इबादत करता है, इस रात में जो जाग कर दुआ करता है, कुरान की तिलावत करता है, बहुत कुछ करता है, साल भर उसके लिए काफी हो जाता है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इतनी बड़ी बात। इस रात में क्या क्या नहीं किया जाता है? इस रात में तकरीबन 30 से ज्यादा अमाल किए जाते हैं, 30 से ज्यादा। वक्त नहीं है, मैं बहुत कुछ आपसे बता सकता था। अगर आपको किसी को पूछना है तो मेरे पास बाद में भी आ सकते हैं। 30 से ज्यादा अमल जिसमें से एक का भी सबूत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से नहीं है, उसमें से एक तो रात जागना है। जब रात फिक्स ही नहीं है तो जागना सही हुआ या गलत हुआ? मैं आप ही से पूछता हूं, डायरेक्ट गलत हुआ। इसके अलावा और क्या करते हैं? देखिए, इस रात में सलाते अल्फिया पढ़ते हैं। सलाते अल्फिया 100 रकात की नमाज है, हर 2 रकात के बाद सलाम फेरते हैं, लेकिन इसका नाम सलाते अल्फिया क्यों है? अल्फुन अरबी लफ्ज है, इसका माना हजार है। 100 रकात पढ़ते हैं, नाम हजार का, ऐसा क्यों है ना? तो इसका मतलब यह है हर रकात में 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ते हैं, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास, तो 2 रकात में 20 हुआ, 100 रकात में 1000 हुआ। इस तरीके से इसका नाम सलाते अल्फिया रखे और ये समझते हैं इस रात में अगर हजारी नमाज कोई पढ़ ले तो उसकी दुनिया बदल जाती है, वो मुसीबतों से नजात पा लेता है, वगैरह वगैरह। लेकिन याद रखें, इस नमाज का कहीं सबूत कुरान और हदीस में बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात यही समझे, मैं 2-4 अमल आपके सामने पेश कर रहा हूं। जब रात ही का जिक्र नहीं है तो ये सारे जो शाखे हैं पार्ट है उसका सबूत हो सकता है? नहीं है। जब जड़ ही का जिक्र ना हो तो शाखों का जिक्र कहां से आ सकता है? लेकिन मिसाल लेने के लिए मैं 3-4 अमाल का जिक्र कर रहा हूं जो हमारे माशरे में ज्यादा चलता है, हमारे नादान मुसलमान भाई बहन करते हैं। उसमें से एक है कब्रों की जियारत। आप देखे होंगे बेचारा कब्रस्तान पूरा साल कांटों में, घासों में, सांपों में, कचरों में, और तो और बाद लोग जो फटी पुरानी किताबें वगैरह हुआ करती है, चाहे वो इस्लामिक हो गैर इस्लामिक हो, लोग क्या करते हैं, जाओ भाई मस्जिद या मदरसे में दो। अच्छा, मस्जिद मदरसे वाले नहीं ले रहे, जाओ कब्रिस्तान में डाल के आओ। सारी चीजें साल भर कब्रिस्तान में डालते हैं, लेकिन शबे बरात जब आना शुरू होती है, अल्लाह माफ करे, माशाल्लाह 3-4 दिन से पाकी सफाई शुरू हो जाती है, घास काटे जाते हैं, कांटे निकाले जाते हैं, लाइटिंग की जाती है, और जब रात आती है मगरिब के बाद कब्रिस्तान को जाकर जियारत करते हैं। मर्द तो मर्द, औरतें भी, बच्चे भी, इख्तलाफ की परवाह नहीं, बेहयाई की परवाह नहीं, और क्या क्या नहीं करते वहां जाकर। कब्रों की जियारत करना चाहिए, लेकिन इस रात में कब्रों की जियारत करना कुरान हदीस से बिल्कुल साबित नहीं है।
इसी तरीके से इस रात में एक और काम किया जाता है अल्लाह की पनाह, ये तो बड़ा अजीब है, आप लोगों को भी मालूम होगा, वैसे मैं बता दे रहा हूँ ताकि इल्म में और इजाफा हो जाए या इआदा हो जाए। क्या करते हैं कि शबे बरात की रात में अनवा व अकसाम के मीठे खारे खट्टे अनवा व अकसाम के खाने तैयार करते हैं और तैयार करके अल्लाह की पनाह घर में रखते हैं। अगर कोई इंसान उनमें का मर गया है और मरने वाला इंसान सिगरेट का आदि था तो सिगरेट भी रख देते हैं, शराब का आदि था शराब भी रख देते हैं, बीड़ी पीने वाला था बीड़ी भी रख देते हैं। पूछो क्यों, बोलते नहीं इस रात में रूहें आती हैं। कहां से आती है? कब्रस्तान से उठ के आती है। अल्लाह की पनाह, कितनी बुरी बात है अगर ऐसा किया जाए कि रूहें आती हैं इसीलिए अनवा व अकसाम के खाने रखे जाए, ये तो कुरान के खिलाफ अकीदा हुआ, बिल्कुल कुरान के खिलाफ। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कुरान मजीद में कि जब एक मर्तबा रूह इंसान के जिस्म से चली जाती है कयामत तक वो दुनिया में लौट कर वापस नहीं आती है। सुनिए कुरान, अल्लाह फरमाता है हत्ता इदा जा अहदहुमुल मौत قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا। जब किसी के पास मौत आ जाती है मरने वाला अल्लाह से कहता है ऐ अल्लाह मेरी रूह को फिर लौटा दे ताकि मैं छोड़ी हुई दुनिया में कुछ और अमल करूं। अल्लाह फरमाता है كلا हरगिज नहीं, कब तक الى يوم يبعثون कयामत के दिन तक। और देखिए हर शबे बारात को रूहें आ रही हैं, रूहें आ रही उनके लिए अनवा अकसाम के खाने, ये सब ऐसे पेट पालू मुल्लाओं के काम है, हमारी उम्मत नहीं समझ रही है। चले मैं एक बात आपको बताता हूं, रूहें जब आ रही हैं किसी के वालिद का इंतकाल हुआ होगा, वालिदा का हुआ होगा, बीवी बच्चे का हुआ होगा, अपने चाहने वाले का हुआ होगा, आ रहे उनके लिए खाने बना रहे हैं, तुम कहां जा रहे हो? फिर उनकी मुलाकात के लिए रुको ना घर के अंदर, रात में वो बेचारे वहां से यहां आ रहे और ये रात में यहां से वहां जा रहे, मतलब ये है कि रूहों से डर गए, रूहों ने कहा कमबख्तों सुनो साल भर घर में मौज मस्ती करते हो ना, एक रात हमारे लिए छोड़ो और तुम वो रात कब्रस्तान में जाओ, हम यहां आकर करेंगे। कौन सा अकीदा? हिंदुओं का नहीं है ये, हिंदुओं का अकीदा नहीं है रूहें आती हैं वगैरह वगैरह। अच्छा आती भी होंगी तो तुम भी रहो ना मुलाकात के लिए, अनुभव बना और चले गए मस्जिदों में रोडों पर कुमकुमों में आवाजें लगाते हुए कसते हुए और ये रियालियां निकालते हुए कब्रस्तानों में, इस्तलाब की फिक्र नहीं, मर्द औरत के मिलावट की फिक्र नहीं, क्या है ये इस्लाम है? हमारे प्यारे नबी ऐसा इस्लाम लेकर आए थे? इतना ही नहीं, और देखिए कहते हैं ये फैसलों की रात है, इस रात में पूरे साल का फैसला होता है, इसीलिए रात में जाकर इबादत करना चाहिए। क्या ये फैसले की रात है? कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया है फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, हम इस रात में पूरे साल के कामों का फैसला करते हैं। अच्छा इस रात में करते हैं या किस रात में करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इस रात का जिक्र लैलतुल कदर के जरिए बता दिया गया, तो ये रात 15वीं शाबान की नहीं बल्कि लैलतुल कदर ही है, समझ गया? फिर भी दलील दे देता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, उस रात यानी लैलतुल कदर की रात रूहुल अमीन और तमाम फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं और नाजिल होकर पूरे साल का जो अल्लाह ने फैसला उनके हाथ में भेजा है वो जमीन में सब तकसीम करते हैं, फिर फजर के वक्त वापस जाते हैं। तो ये फैसलों की रात कौन सी ही? 15वीं शाबान या लैलतुल कदर? सब कुरान ही नहीं है मेरे भाई, पता ये चला फैसलों की रात मानकर, नजात की रात मानकर, मगफिरत की रात मानकर, मुश्किलों से छुटकारे की रात मानकर, बरकत की रात मानकर, फजीलत वाली रात मानकर जो ये इबादतें की जाती हैं इसका कहीं इस्लाम से सबूत नहीं है। मैं इतने दर्द से इसलिए पेश कर रहा हूँ कि कोई मेरा भाई मेरी बहन मेरे दोस्त अहबाब जो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं सिर्फ कलमा ना पढ़े बल्कि उनके रास्ते को अपनाए। हसन बसरी रहिमहुल्लाह बहुत बड़े ताबाई, अबू कतादा बहुत बड़े आलिम गुजरे हमारे असलाफ में, वो कहते हैं शबे बरात 15वीं शाबान की रात की फजीलत के बारे में उसके आमाल के बारे में बेशुमार हदीसें लोगों ने घड़ ली है, लेकिन उन हदीसों में से एक भी हदीस
सेहत के दर्जे तक नहीं पहुंची है, और अगर सेहत के दर्जे तक नहीं पहुंची है तो इस रात में होने वाला हर अमल सुन्नी नहीं है बल्कि बिदाती है, और अगर ये अमल बिदाती है तो इस अमल का करने वाला कयामत के दिन कैसे कैसे नुकसान उठाएगा, उसकी एक मिसाल पेश करके बात को खत्म कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत का दिन होगा, मैदाने महशर में सब लोग जमा होंगे, मैं हौज़े कौसर पर बैठा होऊंगा, मेरी उम्मत के लोगों को मैं बुलाऊंगा, सब लोग मेरे पास से गुजरेंगे और वो मैं हौज़े कौसर का पानी उन्हें पिलाऊंगा, एक मर्तबा जो वो पानी पिएगा कभी वो प्यासा नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ जो दूर खड़े है, वो आना चाहते है लेकिन फरिश्ते उनको ढकेल रहे है, आने नहीं दे रहे। मैं उनको पहचानूंगा, कहूंगा अल्लाह ये मेरी उम्मत के लोग है। अरे वो नबी जो अच्छा तो अच्छा बुरे के लिए भी रात में दुआ करता है, तो ऐसा नबी उन लोगों को देखकर हौज़े कौसर का पानी पिलाना नहीं चाहेगा। अरे दोस्तों दोस्त, दुश्मन के लिए रात में खैर की दुआ करने वाला नबी अपने उम्मत के लोगों को वहां हौज़े कौसर के पानी से महरूम कैसे रख सकता है? लेकिन फरिश्ते कहेंगे, ए नबी आपकी मोहब्बत आपकी उम्मत के लिए बजा है, लेकिन सुनिए ये वो बदबख्त लोग है जो आपके जाने के बाद दीन का नक्शा ही इन्होंने बदल दिया था। अल्लाह के नबी एक सेकंड में इतने नाराज हो जाएंगे, कहेंगे सुहकन सुहकन लिमन खय्यरा बागे, ऐ दुनिया के लोगों सुनो, मैं दुनिया में तुम्हें हमेशा अपने करीब करना चाहता था, लेकिन आज मैं ऐसी बात सुना हूं इनको मेरे करीब भी ना लाओ। अल्लाह अकबर, इतना नाराज होंगे नबी, इतना खफा होंगे नबी, क्यों? बोल के गए हैं ना, तरक तुफीकुम अमरे लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताब अल्लाही व सुन्नती। लोगो मैं जा रहा हूं, मतलब हौज़े कौसर पर ही मिलूंगा मैं, अभी वही मिलने वाला हूं, दो चीज छोड़कर जा रहा हूं, ये दो चीज को तुम अपनाओ, मेरे हाथ से हौज़े कौसर का जाम ले लो। अगर तुमने इन दोनों चीजों को नहीं अपनाया, कोई शबे मेराज शबे बरात ग्यारहवीं बारहवीं छिल्ला चक्की फातिहा वगैरह में गिरफ्तार हो गया, याद रखो वो जन्नत से तो महरूम होगा लेकिन मेरे हौज़े कौसर के पानी से भी महरूम होगा, अल्लाह की रहमत से महरूम होगा, तमाम आशाइशों से महरूम होगा। लिहाजा जरूरत इस बात की है, दर्द के साथ बात पेश कर रहा हूं कि हम सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को अपनाएं और सच्चे दिल से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जब तक जिंदा रखे तौहीद के साथ सही सुन्नत के साथ जिंदा रखे। जब हमारा खात्मा हो तो इसी पर हमारा खात्मा हो, खात्मे को अल्लाह तआला तौहीद का प्यारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी जबान से जारी हो। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।